इन नेताओं को जो आपके वोट से सीएम और पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है वो सड़क पर नहीं है, और हम लोग क्लास लेने के बाद, नौकरी करने के बाद, लिखने पढ़ने के बाद सड़क पर आपके बीच में। क्यों क्यों? मुझे तो नौकरियां भी 13 साल बाकी है, मेरी तनख्वाह भी मोटी मिलती है और बंगला भी है मेरे पास, क्या जरूरत है रिस्क लेने का? हमारे देखो ना, कांशीराम जी ने बांब से बनाया था, क्या हाल हो गया बांब से का? दलित पैंथर का क्या हाल हो गया? इसलिए कल मैंने कहा था कि समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के हिंदू राष्ट्र आएगा। जो आरएसएस के समर्थन से और जो बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बना चुका हो, अगर वो दलित मुक्ति की बात करे तो समझना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सावधान सावधान ना। मेरे घर का मेरे जात का मेरा रिश्तेदार कोई भी अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का उम्मीदवार बनेगा, उसको हम लोग हरवाएंगे, उसको वोट नहीं देंगे, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? जोर से बोलिए, 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? भाई लोग यहाँ से जरा साइड हट जाओ, आज मोदी जी के स्टाइल में भाषण देने वाला। तो पीछे जितने लोग हैं सबको दिखना चाहिए, मैं आज मोदी जी के स्टाइल में भाषण दूंगा। हट जाओ इधर साइड हट जाओ, बैठ जाओ। बोलते हैं ना, राक्षस की जान कहाँ है? तोते में। भानु प्रताप जी ने बढ़िया से सुना दिया, मुझे जो बोलना था उन्होंने कह दिया, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ईवीएम का विरोध करते रहना है, नो ईवीएम। तो मोदी जी का स्टाइल में आज बोलने वाला हूं। भाइयों बहनों, सुने कि नहीं? 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? जोर से बोलिए, 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? हाथ उठाइएगा। 15 लाख रुपए आए क्या? अब मोदी जी पिछड़ा है ना ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लिए कोई कमीशन बनाया क्या? पिछड़े वर्ग के लिए प्रमोशन में आरक्षण किया क्या? पेट्रोल सस्ता हुआ क्या? आपको रोजगार मिले क्या? बच्चों को शिक्षा मिला क्या? सब नहीं है। काला धन वापस आया क्या? स्मार्ट सिटी बना क्या? तो सब कुछ बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो बीजेपी को वोट क्यों देता? जब कुछ हुआ ही नहीं, कल भी मैंने कहा था, गुदगुदी वाला भाषण दू कि कड़ा वाला दू, पहले ये बताओ। हाँ, कल भी मैंने कहा था कि जब ये बीजेपी की सरकार, सीधा ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल है ना, निजी क्षेत्र में आरक्षण मिला क्या? जाति जनगणना हुआ क्या? तो नहीं हुआ तो जात के नाम पे वोट क्यों देते? सवाल, आप खड़े हो जाइए, आज शपथ दिलवाऊंगा, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत खराब हो रहा है। अभी 4 घंटा से इधर बैठे हुए, 4 घंटा वो किताब भी छपना है, किताब पे काम करना होता था, इसे फ्री का भाषण देने नहीं आऊंगा। पहले कमिटमेंट लूंगा कि आप कमिटेड हैं कि नहीं। आपके सारे समस्या की जड़ ये बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार है। तो खड़ा हो जाइए, पहले एक शपथ मैं भी लूंगा, खड़े हो जाइए। अब पूरा देश के मीडिया में जाना चाहिए, जोर जोर से बोलना है, खड़े हो जाइए। जो बोलूंगा वही बोलिएगा, जोर जोर से। जरा विजुअल भी ले लेना पीछे का। अभी आपके बच्चों को निकाल रहा है यूनिवर्सिटी से, नौकरी जा रहा है, और अभी भी कंफ्यूजन में। मेरे घर का मेरे जात का मेरा रिश्तेदार
कोई भी अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का उम्मीदवार बनेगा, उसको हम लोग हरवाएंगे, उसको वोट नहीं देंगे, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। मेरा भाई भी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, उसको हरवाएंगे। बोलिए कि मैं सत्य और निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं। दिखाओ भाई, विजुअल दिखाओ। हजारों लोगों ने शपथ लिया है बीजेपी को हरवाएंगे। अब आपके जात का, घर का कोई भी आदमी अगर बीजेपी से उम्मीदवारी करता है, उस दिन टेस्ट करूंगा कि जात के नाम पर वोट दिए या विचारधारा के नाम पर वोट दिए। टेस्टिंग भाई, शपथ दिलवाना जरूरी है। अब आज के बाद जिस भी सभा में जाऊंगा, पहले शपथ दिलवाऊंगा कि पहले शपथ लो। हम लोग गला फार फार के बोले जा रहे हैं, गला फार फार बैठ जाइए, बोले जा रहे हैं। नौकरी दांव पर है, जान दांव पर है, बोले जा रहे हैं। अब पता लगा कि एक नेता चला गया बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, तो उसका जात का आदमी भी ज्यादातर उसी में चला जा रहा है। तो हम लोग पागल है क्या? जेब से नोट भी खर्चे हो रहे हैं, टाइम भी जा रहा है। तो शपथ लीजिए। और वो स्ट्रक्चर जो है वो खाली नेता पर नहीं है, अल्टू पलटू नेता पर नहीं है, वो आप पर भी है कि समाज का ऐसा आदमी है जिसके दिमाग में भूसा गोबर भरा हुआ है कि एक नेता को खरीद लो तो समाज का ज्यादातर लोग बिक जाता है। समझ गए? इसलिए बात कहना जरूरी है। दोस्तों, बहुत तरह तरह की अच्छी बात सब यहां लिखा हुआ है, क्रीमिली और तमाम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। एक बात याद रखना, इस देश में लड़ाई अभी जो है इंडिया बनाम एनडीए, तीसरा मोर्चा की संभावना नहीं। खराब लगे खराब लगे, कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया आएगी तो घी की नदी बहेगी, ये नहीं कह रहे, लेकिन वहां पर कोई संभावना है जरूर कि हम अपना एजेंडा सेटिंग कर लेंगे। बहुत जल्दी एक प्रेस वार्ता करके हम दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं। दलित कह रहा हूं, ट्राइबल समुदाय के लोग हैं वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आए, पिछड़े समुदाय के लोग वो भी अपना मैनिफेस्टो लेकर आए, अपना लव मैनिफेस्टो। बहुत लंबा नहीं, हमारे लोग का स्ट्रेटजी बहुत गड़बड़ है। एक समय में 3 पेज का जो है मेमोरेंडम बना लेता है, 1000 डिमांड रख लेता है। तो 1000 डिमांड रखोगे तो समझो आप सीरियस नहीं हो, एक भी डिमांड को लेकर आप सीरियस नहीं हो। हमने बनाया है 6 पॉइंट, मैं और हमारे मित्र हैं चंद्रभान जी, कि 6 ही पॉइंट। इसलिए जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि दलितों के पास कुछ नहीं था, लेकिन फ्री में एजुकेशन जब मिला, एक ही मुद्दा था ना एजुकेशन, तो एजुकेशन जब मिला तो उसे इंजीनियर डॉक्टर वकील सब बन गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। समझ रहे? तो इसीलिए मैनिफेस्टो जारी करना है, क्योंकि हमारे नेताओं के पास, क्योंकि समाज के पास ही कोई डिमांड नहीं है, समाज अपने डिमांड के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, नेता क्यों करेगा। तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग मैनिफेस्टो जारी करेंगे, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो। दोस्तों, अगर मैं इंडिया इंडिए के बात करता हूं तो कुछ पार्टी विशेष के जो है कार्यकर्ता जो है ना, हम लोग को गाली देते हैं, दलित सब है, उसकी मती मारी गई, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो उसका नेता कभी एमपी भी नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री बनने की बात छोड़ दो। तो हमें कह देगा तो कांग्रेस का दलाल है, तो कांग्रेस से ये ले लिया। अरे भाई, हम कांग्रेस से टिकट नहीं मांगने जा रहे हैं, एनबीसी बनने के दावेदारी है जी भाई, उसी को गाली दे रहे हो, उसी को गाली दे रहे हो। बात इसलिए कह रहा हूं कि इधर उधर कहीं वोट दोगे तो इसका मतलब है आप बीजेपी को वोट दे रहे हो, इधर उधर वोट दिए इसका मतलब बीजेपी को ही जा रहा है वोट, तो कौन पीटी में वो समझो सीधा। और दिन भर कांग्रेस को गाली भी दे रहा, कह रहे हो कि हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाओ,
उसी को कह रहे हो। अरे 50-60 एमपी जीत के लाओ तब बार्गेनिंग कर लेना कि पीएम बनोगे कि क्या बनोगे। और हम तो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चुनौती मैदान में है, जो आरएसएस के समर्थन से और जो बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बना चुका हो, अगर वो दलित मुक्ति की बात करे तो समझना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सावधान सावधान रहना, चूंकि इन लोगों ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, एजेंडा नहीं सेटिंग किया, हमारे जैसे लोगों को आगे आगे करना पड़ रहा है। आपसे न वोट मांगने जा रहा हूं अपने लिए, न टिकट मांगने जा रहा हूं, न चंदा मांगने जा रहा हूं। भानु प्रताप जी ने जो कहा वो ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है, और यह ऐसा मनुस्मृति है कि ये मत समझिए कि खाली शूद्र अति शूद्र को चापेगा। यह ऐसा मनुस्मृति है कि 3% लोगों को छोड़कर, मोदी और शाह के जो समर्थन में नहीं उनको छोड़कर, पंडित जी भी होंगे तो उसको भी चापेगा, कास्ट होंगे उसको भी चापेगा, भूमिहार होंगे उनको भी चापेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। तो इसीलिए इसको हम मनुस्मृति कहते हैं, जो उनसे डिसएग्री करेगा किसी को नहीं छोड़ेगा। तो साथियों ये कि चूंकि कल भी मैंने कहा था कि पॉलिटिकल इशू है, अपना वोट बर्बाद मत करना, वोट जात के नाम पर इमोशन से वोट मत देना। मुझे पता है कि जब युद्ध होता है तो कोई बड़ा शत्रु अगर सामने खड़ा है तो उसको हराने के लिए छोटे शत्रु से हाथ मिलाते हैं, समझौता करते हैं। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही क्या इस देश का? अभी बोल के गया लक्ष्मण कहां चला गया, 85% कहां दिख रहा है भाई? जात जात की पार्टी बनाए हो, दो आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाता है, एक अकेले अकेले और दोनों मिलके। हमारे देखो ना, कांशीराम जी ने बाम से बनाया था, क्या हाल हो गया बाम से का? दलित पैंथर का क्या हाल हो गया? इसलिए कल मैंने कहा था कि समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के हिंदू राष्ट्र आएगा। जितने समाजवादी थे या तो एनडीए पार्ट हुए या बीजेपी में मिल गए, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, शरद यादव, सब लोग लंबे समय तक रहे, उन्हीं के कंधे पर चढ़ के आया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, 58 दलित पैंथर वो बीजेपी में है, और सड़क पे कौन लड़ रहा है? इन नेताओं को जो आपके वोट से सीएम और पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है वो सड़क पर नहीं है, और हम लोग क्लास लेने के बाद, नौकरी करने के बाद, लिखने पढ़ने के बाद सड़क पर आपके बीच में। क्यों क्यों? मुझे तो नौकरियां भी 13 साल बाकी है, मेरी तनख्वाह भी मोटी मिलती है और बंगला भी है मेरे पास, क्या जरूरत है रिस्क लेने का? अभी अमेरिका से बुलावा है बाबा साहब पे भाषण देने के लिए, प्रिंसिपल को हमने अभी लिखा है एनओसी दे दो, वो एनओसी ऐसा देगा कि वीजा ही नहीं मिलेगा, समझ रहे बात? लीला। तो ये समझो, वोट बर्बाद नहीं करना नंबर एक। नंबर दो, हमारे लोग को बीच में लड़ाना बहुत आसान होता है। 27% रिजर्वेशन पूरा हुआ क्या है? इसी में ये उसका खा गया, वो उसका खा गया, ये कर दो, बी कर दो, सी कर दो, डी कर दो, लड़े जा रहे हो कि जाटव खा गए, यादव खा गए, ये कुर्मी खा गए। 10% जो आरक्षण मिला है उसमें वर्गीकरण का मांग किसी का सुना है? कभी सुना है? हैं? तो हमारा समाज ही भूखा नंगा है कि आपस में ही भिड़ा हुआ है। अरे रिजर्वेशन कोई केक थोड़े ही है। प्रोफेसर बनने के लिए एमए पास करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, तब आप बनेंगे। ये थोड़े ही कि जात के हिसाब से आपको वहां रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये तो कॉम्पिटिशन है। तैयार करो, पढ़ो तो भिड़ाता है और कान में जाएगा। ये आरएसएस का प्रचार तंत्र तो बता रहा हूं, ये आपकी आंख खोलने के लिए। इलेक्शन के समय बोलेगा कि मुसलमान लोग चला जाएगा पाकिस्तान, तो नवाब साहब की हवेली तुम्हीं को मिलने वाला है, और उनका जो जमींदारी जमीन है वो भी तुम्हीं को मिलने वाला है। अब हमारा दलित भाई लोग जो है ना, रात में गुदगुदी लगता है कि नवाब साहब जा रहे हैं हवेली में रहेंगे, बिरयानी खाएंगे, तो खुद भी हिंदू बन जाता है, समझ गए? ये मुझे पता है, होता है, वोट देता है। अति पिछड़ा लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा में लड़वाएगा। अगर एक गांव में एक दलित जो है
एक दरोगा बन गया तो जाके दूसरे चार दलित जो गरीब है वहां पर उसको कान में फूकेगा कि तुमको आरक्षण से क्या मतलब है, देखो उसके घर में तो दो दो दरोगा बना हुआ है। कान में फूकता है मंत्र कि दो दो दरोगा उसके घर में, तुमको क्या मतलब है, ऐसे भड़काता है। हमारे लोग भड़कते भी, तो भड़कना नहीं, ये आरक्षण के खिलाफ जिस तरह से मुहिम चलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बात, और ये सारे मिडिल क्लास लोगों कह रहा हूं, ये जो विस्पर कैंपेन है इसका कनफुसकी करना, उसको कैसे आप काटोगे? उसका तरीका ये है कि पे बैक टू द सोसाइटी करना सीखो, नहीं तो आपके बच्चों को भी कुछ है, वैसे भी आरक्षण खत्म हो रहा है, सबको खेत में भेजने की तैयारी चल रही है। हर वो मिडिल क्लास अपने गांव के अपने गरीब बच्चा को, एक दलित बच्चा को, आदिवासी बच्चा को, अति पिछड़ा को, एक बच्चा को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। एक बच्चा, अगर 10,000 लोग एक एक बच्चा को पढ़ाएंगे, 10,000 लोग एक एक बच्चा को पढ़ाएंगे तो 10,000 बच्चे पढ़ेंगे, उसमें से हो सकता है कि 10 बाबा साहब अंबेडकर भी बन के निकले, कोलंबिया भी जाए, लंदन भी जाए, ये संभावना है। जब खेती नहीं जोतोगे तो फसल कहां से मिलेगा? ये काम हमारा समाज नहीं करता है, भाषण बहुत करता है, खाली देश में कब्जा कर ले, हुक्मरान बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। हमने कल पूछा था कि कितने लोग अपने बच्चों को ठेकेदारी कराना चाहते हैं, कितने लोग मैनेजमेंट पढ़ा रहे, तो तैयारी करवा नहीं रहे, पूछ देगा कि 1,00,000 करोड़ में कितना जीरो है, तो मैं तो नहीं बता सकता, मैं तो इतिहास पढ़ाता हूं। तो आपको ड्रीम बच्चों को देना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उसका अपना हवाई जहाज हो, प्राइवेट जेट में चले, तो ड्रीम दे, तो बाबू बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, तो राजा कहां से बनेगा? उसको बताओ कि तुमको जो है इंडस्ट्रियलिस्ट 10,000 करोड़ का बनाना है, तब ना जो इंडस्ट्री का फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो टेक्निकल बात है वो सीखेगा। हम आप सीख जाएंगे, हमको अभी दे देगा 500 करोड़ का ठेका, तो हम लेके क्या करेंगे, मुझे पता ही नहीं कैसे खर्च करना है। तो ये गंभीरता से कह रहा हूं कि इसका जो बीजेपी आरएसएस का कैंपेन चलता है भाई से भाई को लड़ाने का, उसका काट यही है कि जो साथी भी सुन रहे हैं, सब एक बच्चा को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने का जिम्मेदारी लो, 2 से 3 हजार रुपया खर्चा महीना का होगा, इससे कोई उतना बचा के तुम लाल किला नहीं बना लोगे, नहीं बनाओगे लाल किला। और मैं कह रहा हूं तो मेरे इतिहास के बारे में पता भी कर लेना है। एक ओबीसी बच्चा लंदन पढ़ाया गया, 25 लाख रुपए दिए गए उसको, राजा लाल। एक बच्चा जर्मनी में पढ़ा, एक बच्ची अभी कलकत्ता में पढ़ रही है, तीनों मिला के 45 लाख रुपए खर्च दिया गया पढ़ाने का फुल। अब पूछे पैसा कहां से लाए, ईडी वाला पकड़ेगा। हमने आप ही लोग से मांगे और सीधे उसके अकाउंट में घुसवा दिए, याद है ना, जिन लोगों ने दिया होगा सीधे उनका अकाउंट में डालो इसमें, ठीक। अब ये काम ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने चंदा नहीं दिया, लेकिन बहुत लोगों जो चंदा दिया उसका चंदा मट्टी हो गया, वो खाली 2-2 घंटा का भाषण मिला, भाषण ही शासन है, इसमें हमारे लोग बहुत एक्सपर्ट है, 3-3 घंटा भाषण दिला लो, लेकिन यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज इंग्लिश एजुकेशन के क्या मायने है इसमें चर्चा नहीं मिला। अभी भाई साहब एक इंजीनियर साहब बैठे हुए, अमेरिका में इंजीनियर थे इधर, वो सवर्ण समुदाय के हैं, बिहार से आए हैं, कल शामिल होने ईवीएम के आंदोलन में। तो मिला जुला के जो कहना है, जो शत्रु हमारा सामने है उससे तो जंग जारी रहेगी, लेकिन हम लोग भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाए। सरस्वती शिशु मंदिर में आरएसएस अपना नेता पैदा करता है, हमारा नेता जो है सोचता है कि खाली कैडर कैंप में पैदा हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद आता है नेता बनने, तो जब ऊर्जा नहीं रहेगी, पढ़े लिखे लोग आपको अंग्रेजी बोलने वाले लोग संसद में विधानसभा में नहीं जाएंगे तो बहस क्या करेंगे, ठेंगा। 10,000 लोग ऐसे पैदा करो, क्यों लक्ष्मण यादव बोलेगा, रतन लाल बोलेगा, खाली हर यूनिवर्सिटी से, हर शहर से, गली गली गांव गांव से ऐसे बहादुर लोग पैदा करिए, तब जाके आपकी मुक्ति होगी। नहीं तो इतिहास के छात्र होने के नाते मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं इतिहास पढ़ता हूं ना, तो जितना पीछे देखता हूं ना उतना ही आगे भी देखता हूं कि आगे क्या होने वाला है।
तो कम से कम आपकी गुलामी निश्चित है। बाद में ये मत कहना कि हमने जताया नहीं, समझाया नहीं था। जब जंगल में आग लगी हुई है और सब लोग भाग रहे हैं, हम लोग भाग नहीं रहे हैं, बहादुरी के साथ मोर्चे पर लड़ रहे हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब हम नहीं रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां कम से कम याद रखेगी कि जब तुम्हारे बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार सब बंद किए जा रहे थे, तो कुछ लोग वैसे थे जो सड़क से लेके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए भी कह रहा हूं, इसलिए सिर्फ ताली नहीं बजाना है। गांव के पास देखो सबसे ब्राइट बच्चा कौन है, सेनापति तो एक ही होता है, एक साथ लाखों बच्चे नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरे देश में आवाज जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक एक बच्चा पढ़ाओ, दूसरे जात का पढ़ाओ, गरीब बच्चे का पढ़ाओ। अगर ये नहीं करेंगे तो आरएसएस बीजेपी कामयाब हो जाएगा ये कहने के लिए कि उसका बेटा तो आईएएस बन गया, तुम्हारा बेटा तो जूता ही सी रहा है, तुमको क्या मतलब है। ये विस्पर कैंपेन उनका चल रहा है, इसी के लिए हमारे लोगों के आपस के बीच भी तनाव, लड़ाई, झगड़ा चल रहा है, क्योंकि काउंटर आइडियोलॉजी हमने दिया। काफी आज के लिए, तो जो शपथ याद रहेगा, सब लोग चुनाव प्रचार में अब मूड में आइए और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव प्रचार अभियान चलाइए, नहीं तो राम राष्ट्र की घोषणा मोदी जी कर चुके हैं, पिछड़ों के कंधों पर चढ़ के ही और कुछ दलितों के कंधों पर चढ़ के ही वो हिंदू राष्ट्र आने वाला है। अपने कुल्हाड़ी से अपना पांव मत काटिए। शुक्रिया, जय हिंद।